हेलो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? 10th से आने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि सिलेबस एकदम ज़्यादा बढ़ गया है, बर्डन बढ़ गया है। बट डरिए मत, मेहनत करिए, आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो हमने देखा है डायमेंशनल फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है। तो डायमेंशनल फार्मूले की जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा था वो पूरा नहीं पढ़ पाए अपन, उसमें एक बच गया है। कौन सा बचा हुआ है? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो पहले सिस्टम में वो U1 है, उसको कन्वर्ट करना है दूसरे सिस्टम में U2 में। तो कन्वर्जन के लिए जैसे हो सकता है, U1 को U2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, तो वो N1 है और कन्वर्ट होकर क्या बन रही है, वो N2 बन रही है। और साथ में जो U1 यूनिट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, U2 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो यूनिट U1 है वो यूनिट 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यूनिट में क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम और भी हो सकते हैं। तो अपन पहले वाले में लेते हैं, मास मान लो कितना है, M1 है। लेंथ कितना है, मान लो L2 है, सॉरी L1 है, लेंथ भी L1 होगा। और टाइम क्या है, T1 है। ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का अपन लेकर चलते हैं, यूनिट का लेकर चलते हैं, मास, लेंथ और टाइम। जैसे केजी मीटर पर सेकंड बोलते हैं ना, तो केजी मास, मीटर लेंथ, सेकंड टाइम, तो उसमें है ना केजी मीटर पर सेकंड यूनिट में क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम होता है। अब देखिए, जो M1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M2 में कन्वर्ट हो जाएगा। M1 किस में कन्वर्ट हो गया, M2 में। जैसे केजी है तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया मान लो, ठीक है। वैसी लेंथ है, मीटर में है, किस में कन्वर्ट हो गया मान लो, सेंटीमीटर में। तो L1 को किस में कन्वर्ट कर दिए, L2 में। टाइम मान लो आवर में है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो T1 से क्या हो गया, ये T2 हो गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, मास, मास में, लेंथ, लेंथ में, टाइम, टाइम में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि मास को लेंथ में कन्वर्ट कर दोगे, मास हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, मास में ही कन्वर्ट होता है। केजी ग्राम में कन्वर्ट होगा, ग्राम केजी में कन्वर्ट होगा। लेंथ है तो टाइम, लेंथ है तो लेंथ में किस, लेंथ की बात करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में कन्वर्ट। इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग सेम सेम क्वांटिटी क्या होती है, सेम यूनिट्स में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब देखिए, आप देखे होंगे, आपको जैसे एक्सेलरेशन का मैं डायमेंशनल फार्मूला निकालता है, LT-2 मीटर सेकेंड माइनस टू, तो इसका मतलब मीटर की पावर 1 है और सेकेंड की पावर क्या है, माइनस टू है। तो पावर्स भी लग सकते हैं इसमें। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं, एम की पावर मान लो ए है, तो ए में ही कन्वर्ट हुआ। L की पावर B है तो ये B में ही कन्वर्ट हुआ। अब T की पावर क्या है, C है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, C में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। C में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से अपन दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे मीटर स्क्वायर है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, है ना। वॉल्यूम है, जैसे मीटर क्यूब है तो किस में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ऐसा नहीं कि मीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है। तो जो मीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपने को निकालना क्या है, इस N2 की वैल्यू निकालनी रहती है। N1 तो अपने को दिया रहता है 5 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो मतलब क्या है, N2 की वैल्यू निकाल, तो यहाँ से जब N2 निकालेंगे तो N2 की वैल्यू हो जाएगी, ये सब ट्रांसफ़र कर दीजिए, N1 यहाँ, M1 है नीचे में, क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा पावर ए। फिर यहाँ पे क्या है, L1 है, L2, यहाँ पावर क्या आ जाएगा, बी, ट्रांसफ़र कर दिए। फिर T2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो T1 है, नीचे में क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा पावर सी। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसी फार्मूले का अपने को यूज़ करके क्या निकालना है, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। इतना समझ में आ गया, अगर ये फार्मूला आपको याद है, दिमाग में है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट का। तो इसे पहला न्यूमेरिकल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो आपको स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, टू कन्वर्ट इन इनटू किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करके क्या बनाना है, किलोमीटर पर आवर में बनाना है। तो यहाँ पे मतलब जो वैल्यू होगी N2, उसकी वैल्यू क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी दी हुई है, N1 की वैल्यू कितनी दी है, 332 दी हुई है अपने को। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या स्पीड है, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, मीटर मतलब लेंथ और टाइम मतलब टी। तो ये आ गया LT-1। तो इससे पता चल गया कि L का पावर क्या होगा, 1 होगा, T का पावर क्या होगा, -1 होगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब फार्मूला देखते हैं, हमारे पास क्या है फार्मूला, N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2, अभी जस्ट मैंने बताया था पावर ए, पूरा लिख लेते हैं फार्मूले को, L1 अपॉन L2 पावर बी,
एंड टी वन अपॉन टी टू टू द पावर सी, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या है, देखिए लेंथ और टाइम है, तो ये वाला अपने को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का जो स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एल टी माइनस वन होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मास नहीं रहेगा, इसको टर्म्स को छोड़ देंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए एन टू की वैल्यू क्या आएगी, एन वन, एन वन कितना दिया है 332, ठीक है। अब लेंथ की बात करते हैं, लेंथ किस में है, मीटर में है, कन्वर्ट किस में होगा, किलोमीटर में, तो एल वन की वैल्यू 1 मीटर और कन्वर्ट किस में होगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। पावर बी, तो यहाँ लेंथ की पावर क्या है, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे लगा देंगे 1। आगे टाइम टी वन, टी वन किस में, सेकेंड में है, और कन्वर्ट करना है किस में, टी टू, टी टू मतलब आवर में क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। सी मतलब टाइम का पावर, टाइम का पावर क्या लिया, -1 लिया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, -1। इतना क्लियर हुआ, तो पावर अपने को यहाँ से चेक करना है, इसे आप देख सकते हो कि पावर अपने को किस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। अब आगे देखिए 332, अब मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर, तो 1 मीटर मतलब 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। इतना क्लियर हुआ, पावर 1, 1 सेकेंड को आवर में, तो क्या करेंगे 60 का जब डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, 60 का जब डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। फिर अगेन 60 का डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 आवर, पावर क्या आ गई, -1। इतना क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए 332 इंटू 1/1 क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, पावर में 1 है, और ये 1/60 × 60 -1 है, तो उलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 60 × 60। अब यहाँ से निकल गया किलोमीटर, और यहाँ से आवर -1 बाहर निकल जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 332 × 60 × 6 क्या हो जाएगा, 11952 और अपॉन हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, -1 है तो पर आवर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 10 है, तो ये हो जाएगा 11952 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब 332 मीटर पर सेकंड की वैल्यू क्या होती है, 11952 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हुआ, एक सिस्टम के से दूसरे सिस्टम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड के सिस्टम में था, कन्वर्ट किस में हो गया, किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टू कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग बाई यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला मेथड, तो 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है ना। सबसे पहले जूल को, यार जूल कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, और अर्ग कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट में। तो यहाँ पे भी एन टू की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। एन टू का फार्मूला एन वन एम वन अपॉन एम टू पावर ए, एल वन अपॉन एल टू पावर बी, एंड टी वन अपॉन टी टू क्या हो जाएगी, पावर सी हो जाएगी, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले जूल, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क, किसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है, और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू, ये वर्क का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए ऐसा यूनिट में मास किस में होता है, के जी में, कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक। लेंथ किस में होता है, ऐसा यूनिट में मीटर में, कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। टाइम किस में होता है, सेकंड में, सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझ में आ गया। अब ए बी और सी की बात करते हैं, तो ए मतलब मास का पावर, तो यहाँ पे मास की पावर क्या है, 1। बी, बी मतलब लेंथ की पावर क्या है, तो यहाँ लेंथ की पावर क्या है, 2 है, और सी मतलब होता है टी की पावर, तो टी की पावर यहाँ पे क्या लेके चल रहा है, -2। तो इस तरीके से अपन किसकी वैल्यू निकाल लिए, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लिए। अब आगे देखिए सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखिए एन वन, तो एन वन कितना दिया अपने को, 1 दिया है, यहाँ से एन वन ले लेंगे, एन वन की वैल्यू कितनी है, 1 दी हुई है अपने को, ठीक है। अब आगे देखिए मास की बात करते हैं, मास में एम वन, मास, मास किस में होता है, ऐसा यूनिट में, के जी में, तो ये हो जाएगा 1 kg। कन्वर्ट किस में करना है, सी जी एस, सी जी एस में मास किस में होता है, ग्राम में, ये मैं पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। अब लेंथ देखते हैं, लेंथ ऐसा यूनिट में किस में होता है, मीटर में होता है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। कन्वर्ट करना है सी जी एस, सी जी एस में लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। पावर क्या आ जाएगी, बी, बी की, बी मतलब 2, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं, टाइम किस में होता है, एस आई में भी सेकंड में होता है, सी जी एस में भी क्या होता है, सेकंड, तो ये 1 सेकंड/1 सेकंड हो जाएगा। पावर क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी है, -2, यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 1 किलोग्राम को ग्राम में, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 ग्राम, पावर 1। 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है,
ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं 1000, ठीक है। अब यहाँ से ग्राम बाहर निकल गया, अब आगे देखिए 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड माइनस 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बचेगा 1 अपॉन 1, मतलब 1 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 5 2 7, तो 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई एन टू की वैल्यू। और इसी को आगे लिख सकते हैं 10 की पावर 7 इसी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को, जैसे इसको जूल बोलते हैं ना, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 को क्या बोलते हैं, जूल अपन, तो यहाँ पे ग्राम सेंटी स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है सी जी एस यूनिट में, समझ में आ गया। तो इसका मतलब कन्वर्जन क्या हो गया, तो 1 जूल इज इक्व टू 10 की पावर 7 अर्ग, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसी में देखिए आगे, टू कन्वर्ट अगर बोलता है 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन इंटू किस में बोल दिया, मान लो कन्वर्ट करने के लिए डाइन, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, मान लो डाइन में कन्वर्ट करना है, तो सेम वैसी 1 न्यूटन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और डाइन कौन सी यूनिट है, सी जी एस यूनिट। बट अंतर किस में है, जैसे वर्कडन का फार्मूला यहाँ पे एम एल टू टी माइनस 2 लिखे थे, तो यहाँ पे किसका फार्मूला आ जाएगा, 1 न्यूटन मतलब किसका फार्मूला होगा, फोर्स का। अब फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, एम एल टू टी माइनस 2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, आया कि नहीं आया। अब देखिए आगे एन वन वन हो गया, 1 kg को ग्राम में, सेम चीज़ बाकी पूरा सेम है, बस अंतर कहाँ पे है, यहाँ पे एल की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे जूल था, तो जूल के लिए क्या लिए थे, एम एल टू टी माइनस 2 लिए थे, क्योंकि जूल मतलब वर्कडन था, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, न्यूटन, न्यूटन मतलब किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा तो एक ही 100 होगा, यहाँ पे 1 आएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एक ही 100 हो जाएगा। तो जब एक ही 100 होगा तो 3 और 2 मिला कितना हो जाएगा, पावर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 5 क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर एक ही रहेगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइन में, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं अपन, डाइन बोलते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से 1 न्यूटन को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइन में। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टू कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला मेथड, या फिर पूछ सकता है टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला मेथड। तो कहाँ पे अंतर था मैंने इसमें चेक करके आपको बता दिया, वो वाला समझ में आ गया, तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से अपन दोनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर बना लोगे तो बाकी और भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू अबाउट 4.2 जूल, मतलब हीट और एनर्जी का यूनिट दिया हुआ है, किसका किसका, हीट और एनर्जी के टर्म में। तो हीट और एनर्जी हो चाहे क्या हो, वर्क डन हो, सबकी डायमेंशन फार्मूला क्या होती है, सेम होती है, एम एल टू टी माइनस 2। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस 2। तो यहाँ से क्या निकाले, ए बी और सी की वैल्यू अपने को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है वैल्यू 1 जूल की वैल्यू, तो कितने टोटल जूल है, 4.2 जूल। तो 4.2 जूल जूल की जगह पे लिख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, एन वन की वैल्यू। तो एन वन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई, 4.2। अब एक नया यूनिट बनाना है, किसमें, के जी को कन्वर्ट करना है अल्फ़ा के जी में, मीटर को कन्वर्ट करना है बीटा मीटर में, और सेकंड को कन्वर्ट करना है गामा सेकंड में। तो इस तरीके से एक नया यूनिट बनाना है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्रूफ करना है, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले मेरे पास N2 निकालने का फार्मूला होता है, N1 M1 अपॉन N2 पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T2 टू द पावर क्या होता है, C होता है। इस तरीके से अपन फार्मूला हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे N1 की वैल्यू, तो N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.2। मास चेक करते हैं, मास कितना है, तो यहाँ पे मास कितना है, 1 kg में है, किस में है, 1 kg में। कन्वर्ट किस में करना है, नई यूनिट देखिए अल्फ़ा kg में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा kg। ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब लेंथ की बात करते हैं, लेंथ क्या है, मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर में है, कन्वर्ट किस में करना है, बीटा मीटर में, तो यहाँ आ जाएगा बीटा मीटर आ जाएगा, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2 आई है। अब आगे देखिए किसकी बात करते हैं, सम टाइम की, तो टाइम किस में है, सेकंड में है, 1 सेकंड। कन्वर्ट किस में करना है, गामा सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आ जाएगा गामा सेकंड। अब पावर हो जाएगी माइनस 2, क्योंकि यहाँ से अपन निकाल चुके हैं सी की वैल्यू क्या है, माइनस 2। अब आगे देखिए 4.2, अब यहाँ अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा है,
उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की पावर माइनस वन, तो यहाँ से केजी बाहर निकल गया, ठीक है। वन बीटा वन अपॉन बीटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बीटा की पावर माइनस टू, और वन अपॉन गामा है तो ये हो जाएगा माइनस टू, ऊपर गामा ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो ये गामा की पावर क्या हो जाएगी, प्लस टू हो जाएगी। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर निकल गया, यहाँ से सेकेंड माइनस टू, समझ में आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एन टू की वैल्यू। तो ये है ना, द कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ गई, 4.2, अल्फ़ा की पावर माइनस वन, बीटा की पावर माइनस टू और गामा स्क्वायर। तो ये था इसका आंसर, समझ में आ गया। तो एक नए यूनिट में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो चुका है इस तरीके से। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये परेशान करेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अपने को समझना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ करेक्ट फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम, मतलब दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे, लेकिन इक्वेशन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, याद कर लीजिए। इक्वेशन हमेशा करेक्ट होना चाहिए, मतलब करेक्टनेस पहले चेक होना चाहिए, अगर इक्वेशन करेक्ट है तभी काम आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अदरवाइज काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, दोनों साइड में फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है सभी टर्म्स का ना। जैसे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेता हूँ, इसमें कौन कौन से टर्म्स है, वी है, यू है, ए टी है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा सबका क्या होगा, सेम होगा, मतलब जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ वेलोसिटी एल टी माइनस वन, ए टी ए एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू, और टी टाइम टी, तो ये हो गया एल टी माइनस वन, समझ में आ गया। तो देखिए सभी के डायमेंशंस क्या है, सेम है। इक्वेशन अगर करेक्ट है तो उस कंडीशन में सभी के डायमेंशंस आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इतना क्लियर है। चलिए अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ठीक है। अब क्या बोलता है, एक्स जो है क्या है, डिस्टेंस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला होता है एल, और टी क्या है, टाइम इन सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, टी होता है। अब यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, सभी टर्म्स के डायमेंशंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों साइड के सभी टर्म्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ए और एक्स का डायमेंशन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बी टी का एक्स के साथ डायमेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सी टी का भी, सी टी स्क्वायर का भी किसके साथ, एक्स के साथ डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, और सेम अगेन डी टी क्यूब का भी डायमेंशन क्या होगा, एक्स के साथ क्या होगा, सेम होगा, या सभी आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो अननोन है ना, यही नोन है, तो इसी के इक्वल लेके चलते हैं सबको, एक इक्वल एक्स को ले लिए, तो ए का डायमेंशन कितना आ गया, एल आ गया, ठीक है। तो बी टी इज इक्वल टू एक्स, बी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखिए, एक्स अपॉन टी, तो एक्स अपॉन टी क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी मतलब एल टी माइनस वन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सी का निकालना है तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक्स अपॉन टी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वेयर डेट इज़ एल टी माइनस टू, इस तरीके से सी का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ डी का देखते हैं तो डी इज इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन टी क्यूब, होगा कि नहीं होगा, और एक्स का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एल, और टाइम का टी क्यूब, तो ये हो जाएगा टी माइनस थ्री। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से। मतलब यहाँ पे सभी टर्म्स के डायमेंशन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, कौन बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से ए का डायमेंशन आ गया लेंथ एल, बी का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन, सी का एल टी माइनस टू, और डी का क्या आ गया, एल टी माइनस थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम में ये पूछा जाता है, स्कूल के एग्जाम में टीचर इस तरीके क्वेश्चन पूछता ही है, मतलब 90% चांस है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसमें बोल रहा है वॉन्डर वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्व टू आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, इसमें देखिए सबसे पहले पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। और यहाँ पे ए और बी का डायमेंशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ए और बी का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा, कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा लगेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है किसी भी इक्वेशन का अगर वो करेक्ट है तो सभी टर्म्स का डायमेंशन आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो सभी टर्म का देखिए, तो p के टर्म का जो डायमेंशन है वो a अपॉन v के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लिए क्या, पी वी स्क्वायर,
समझ में आ गया। वैसे ही वी और बी का डायमेंशन भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से बी का डायमेंशन निकल जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या निकला, वी, ठीक है। अब पी क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो एल की पावर हो जाएगी 6। स्क्वायर है यहाँ पे, एल क्यूब होता है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम एल फाइव टी माइनस टू, क्या आ गया, एम एल फाइव टी माइनस टू। तो डायमेंशन फार्मूला जो ए का है वो कितना होगा, डायमेंशन जो होगा वो कितना होगा, एम एल फाइव टी माइनस टू होगा। अब बी क्या है, वी, बी इज इक्व टू वी, मतलब वॉल्यूम सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। तो एल का, बी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल क्यूब होगा। अब क्या निकाला, देखिए द ऐसा यूनिट ऑफ ए एंड बी भी फाइंड करना अपने को, राइट, है ना। तो यहाँ पे फाइंड करना है, राइट करना है, तो क्या हो जाएगा, मास की यूनिट के जी एसआई में, लेंथ की यूनिट मीटर की पावर 5 हो जाएगी, और टाइम होता है सेकेंड माइनस टू। तो यहाँ से किसका किसका यूनिट आ गया, ए का यूनिट, के जी मीटर की पावर 5 सेकेंड माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल क्यूब, तो एल क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल की यूनिट होती है मीटर, लेंथ, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये दोनों की क्या निकल गई, यूनिट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर, दिखता बहुत टफ है ना क्वेश्चन, देखने से ऐसा लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन बनाओगे तो बहुत ईजी है। बस अपने को याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, कि कोई भी करेक्ट इक्वेशन के बोथ साइड्स के टर्म्स आपस में क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होंगे, उनके इक्वल होंगे। तो दोनों साइड के टर्म्स के डायमेंशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर इक्वेशन क्या होता है, करेक्ट होता है। तो उसी से मैंने लॉजिक लगा के इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया। तो पी का जो डायमेंशन है वो ए अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लिए, और v का डायमेंशन जो है किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। इतना समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत लोग एग्जाम इसको छोड़ के आते हैं, और जब बाद में पता चलता है कि बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, आप एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा, इसको बना के आइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। अब देखिए t एंड x स्टैंड फॉर टाइम एंड डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, टी क्या है, टाइम है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है। इस समझ में आ गया, टी का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल टी होगा, और डिस्टेंस एक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल होगा। ऑप्टेंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ ओमेगा एंड के, इस ओमेगा और के का क्या निकालना, डायमेंशन फार्मूला निकालना। सबसे पहले देखिए साइन के साथ जो टर्म्स होता है वो किसका होता है, एंगल का होता है, साइन थीटा, साइन 90, साइन 60, तो ये क्या है, एंगल है। तो एंगल क्या होती है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल क्या होती है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है क्या, एंगल। तो एंगल अगर डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, तो इस कंडीशन में ओमेगा टी का जो डायमेंशन होगा वो एंगल के इक्वल होगा, और एम जीरो एल जीरो टी जीरो वन लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे के एक्स का ये भी क्या होगा, एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, इसको भी लिख सकते हैं क्या, वन लिख सकते हैं, है ना भाई। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल के डायमेंशन के इक्वल होगा, सभी टर्म्स आपस में इक्वल होते हैं, कौन बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। इसका मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल, एंड के एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल। जब इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा वन अपॉन टी, आएगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो वन अपॉन टी मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्या यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला टी माइनस वन, वन बाई टी, दैट इज टी माइनस वन हो जाएगा, कैपिटल टी है ना, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला में टाइम को कैपिटल टी से शो करते हैं। वैसे इसका निकालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इज इक्व टू, एक्स निकालना है, सॉरी अपने को ना एक्स नहीं निकालना है, के की वैल्यू निकालनी, तो के क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, वन अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन एल, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, एल माइनस क्या हो गया, वन हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ओमेगा और के का भी अपन क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ओमेगा टी मतलब एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे ओमेगा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी हो जाएगा, टी माइनस वन आ जाएगा। वैसे के एक्स, के का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स एल की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके से अपन दोनों का क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बस आपको समझना था स्टम्स। कई लोग इसको इधर से इधर सॉल्व करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ लेके इक्वल ले लेंगे, इन दोनों का डायमेंशन सेम लेंगे, तो ऐसा कुछ रूल्स नहीं, सभी टर्म्स के डायमेंशन क्या होते हैं आपस में। तो इतने टर्म को अपने को लेना है, ये टर्म किसका है, एंगल का टर्म है, इसलिए ओमेगा टी इज इक्वल टू एंगल ऑल्सो वन, एंड के एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल, इस इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सबसे पहले दिया है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है अपने को, गिवन डेटा क्या है, v इज इक्व टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी अपने को दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का क्या निकालना अपने को, डायमेंशंस निकालना है, किसका किसका,
ए और बी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ए और बी का डायमेंशन निकालना, तो पहले किसका निकालना पड़ेगा, सी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि सभी के डायमेंशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वी का डायमेंशन ए डी इक्वल होगा और ए डी का डायमेंशन बी अपॉन टी प्लस सी, तीनों का डायमेंशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन सी निकालना है, तो सबसे पहले देखिए ये भी तो एक टर्म्स है ना, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर सी का डायमेंशन कितना आ गया, टी आ गया। तो ये आपका पहला सॉल्व हो गया, यहाँ से सी का डायमेंशन कितना आ गया, टी आ गया। अब किसका निकालते हैं, ए का डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए निकालते हैं। तो ए का डायमेंशन देखिए, तो ये दोनों टर्म्स के डायमेंशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी इज इक्व टू वी, ठीक है। तो ए इज इक्व टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन टी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और वी अपॉन टी, वी मतलब वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या होता है, टी होता है। तो ये क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू, समझ में आ गया। टी माइनस वन ऊपर गया, तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकल गया एल टी माइनस टू। तो यहाँ से इसका क्या निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस टू, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर सेकंड माइनस टू, मीटर पर सेकंड इसका, इसका मतलब ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब चलिए आप इसका डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी निकालते हैं। चलिए अब देखिए डायमेंशन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस टर्म का डायमेंशन या तो इसके इक्वल होगा या तो इसके इक्वल होगा, तो इसको लेकर चलते हैं, है ना, ईजी है। तो b अपॉन हो जाएगा t प्लस सी इज इक्व टू हो जाएगा v, होगा कि नहीं होगा, चलिए आप ही देखते हैं। b अपॉन t प्लस सी, तो t का डायमेंशन t और c का भी कितना आया, t आ गया v, तो ये 2t हो जाएगा। 2t में t, 2 क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, 2 को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, t बचेगा इज इक्व टू v। तो यहाँ पे b इज इक्व टू, अब देखिए t ट्रांसफ़र कर दिए, t हो गया, और v वेलोसिटी का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन लिख सकते थे, तो t इंटू हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो यहाँ से t t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, बी अपॉन टी हो जाएगा ना, ये 2t, टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो t बच गया, और v का होता है एल टी माइनस वन, और यहाँ से t को जब ट्रांसफर करेंगे तो एल टी माइनस वन इंटू टी हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो गया। तो b का डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया, l, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, और ये क्या है, एक लेंथ है, b क्या है, एक लेंथ है। तो यहाँ से a का डायमेंशन फार्मूला आ गया क्या, एल टी माइनस टू, और b का डायमेंशन फार्मूला आ गया l, समझ में आ गया। तो a का डायमेंशन क्या आया, एल टी माइनस टू, और b का डायमेंशन क्या आया, l आया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन जो बचा हुआ था वो कंप्लीट किया, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरीके से थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बनाते रहिए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा। इतना क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स अपन कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।